मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद है, लव है, मतलब मोदी जी को प्यार करते हैं। लाएंगे सर, मोदी लाएंगे, मोदी नहीं आए तो हमारे देश का कुछ भी नहीं होगा सर। ओहो, जो पीछे हो गया हमें ना फ्री चाहिए, ना भ्रष्टाचारी चाहिए, ना बेईमानी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तकबीर है। कहाँ से है? अच्छा, मोदी इज द ओनली पर्सन हु विल मेक श्योर कि इंडिया सुपर नेचुरल पावर बने पूरे वर्ल्ड में। तो प्लीज वोट फॉर मोदी। लोकतंत्र में सजाए भारत। मैम, नेम आपका? नम्रता श्रीवास्तव। मैं बिहार से हूँ। पहले मोदी सरकार सबसे ईमानदार नेता है पहले। अच्छा, और बिहार में लालू जी ने बहुत राज किए, कांग्रेस जी ने बहुत राज किए। पहले देश के लिए कोई कुछ सोचा नहीं सकता। ओके, भाई देख लो गाइस, बीजेपी का वो चल रहा है। ये गाइस बीजेपी का यहाँ पे रैली हो रहा है। गजब की रैली है गाइस यहाँ पे द्वारका में। मैं आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ गाइस, और शायद मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे। मोदी जी आ रहे हैं। कई रंगों से बना तिरंगा, कई बोलियां, ओहो, काफी दूर आ गए हम लोग गाइस। यहाँ पे हम लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे। स्टेज पे जाना कैसे जाएंगे यार? रास्ता है गाइस, रैली कवर करना इतना आसान नहीं है। क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कवर करूँ। चार सौ पार। थैंक्स। सत्यम भारत, शिवम भारत, भक्ति भारत, शक्ति भारत, रौन के बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं भारत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ।
ये जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है। अगर आप में रुचि हो तो मैं आज दिल्ली की जनता के माध्यम से देश के सामने ठोस आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप भी अगर उसको नोट कर लेंगे, याद करेंगे और किसी से भी चर्चा करेंगे तो उसको भी अचरज लगेगा कि इतना बड़ा देश के साथ अन्याय किया इन लोगों ने। मैं एक के बाद एक आज आपको बताना चाहता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनवा पाती है, मोदी सरकार हर रोज करीब 30 किलोमीटर हाईवे बनवा रही है। कांग्रेस 60 साल में ज्यादा से ज्यादा काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और गाइस पहली बार मैं रैली में आया बीजेपी के और सरकारी गाइस ये धर्म के आधार पर पोस्ट पे खिलाफ ये गाइस राम मंदिर के सामने यहाँ पे बसेस पे गाइस मेरा पहला ही रैली था और सिक्योरिटी भ्रष्टाचारियों से पाए पाए में खुली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। और जो लूटा हुआ मैं इन दिनों किसको वोट दे रहे हो? किसको वोट दे रहे हो? मोदी जी को भाई, मोदी जी को दे रहे हो? मोदी जी ने ले आया तो मोदी जी को ही मोदी जी को क्यों वोट दे रहे हो आप? मोदी जी ने बहुत विकास किया। अच्छा इसलिए कहाँ से आए हो अभी? मैं तो यही द्वारका का ही हूँ।
जिंदगी जेल में जा सकता है तो। अच्छा, अगर कवरेज नहीं दी गई तो ये मीडिया खुद नहीं जा सकता, आपको पकड़ लिया था। एक मिनट, आप ये वीडियो ये कैमरा साइड में रखो, कैमरा हटाओ, बैच हटाओ, मैं आपको पहचान लूंगा आप कौन हो। आप मेरे को पहचान लोगे नहीं ना, तो फिर आप जा सकते थे। किसने रोका था? यूट्यूबर दुनिया भर के वो जा सकते थे, किसने रोका? यूट्यूबर्स गए लेकिन रिपब्लिक भारत नहीं गए, जी न्यूज नहीं गए, अन्नम गोस्वामी कहीं पे आसपास दिखे नहीं, नहीं, नहीं डिबेट्स का नाम दिखाए। देखो, आपने मेरे से पहला पूछा था मणिपुर वाला, शायद पूछा था ना वो प्रज्वन्ना वाला, मैंने आपको क्या कहा कि भैया उस पर कवर हुआ मणिपुर में, मैंने बोला कि हाँ है, ठीक है। मेरे को इसकी जानकारी नहीं है कि रिपब्लिक भारत वहाँ गया या नहीं गया, क्योंकि जब से मैंने रवीश कुमार को देखना छोड़ा है ना, मैं ना ये जो चैनल्स होते हैं ये नेशनल चैनल, इनको नहीं देखता। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अपना ऐप है, उसमें न्यूज़ आती है, मैं उसको देखता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, एनालाइज करता हूँ और उसको आगे उसके। आपकी जो अतिरिक्त बिजली होगी वो बिजली सरकार खरीदेगी। जो लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं उनकी हर महीने सरकार को बिजली देगी। ओहो, अभय बनर्जी है। अच्छा, उत्तम नगर मंडल में मैं उपाध्यक्ष, अच्छा, युवा मोर्चा में हूँ। ओके, और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके बहन जी को सपोर्ट कीजिए, और बहन जी को लाख, 5 लाख नहीं, 6 लाख नहीं, लग मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 लाख का जो टारगेट कुछ लोगों ने, हम लोगों ने बना रखा है, ओके, कृपया उसको पूरा कीजिए, क्योंकि पुराना जो मार्जिन है वो मैटर नहीं करता। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर है। कहाँ से है? आवेरी जिले से। अच्छा, तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं इस बार? भाई साहब देखो ना क्या लिखा हुआ है, आई लव मोदी जी। भाई साहब कुछ बोलना चाहते, बोलिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों से, खासतौर दिल्ली वालों से, सभी मोदी जी को देता है 400 पार कराने इस बार। 400 पार? बिल्कुल 400 पार है। अच्छा, थैंक यू, कोई नहीं रोक सकता। ओके ओके, बोलिए।
दिल्ली वाले सारे मोदी जी को वोट देना, 400 पार करना है। मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ, मोदी जी को समर्थन करता हूँ। मोदी इज द ओनली पर्सन हु विल मेक श्योर कि इंडिया सुपर नेचुरल पावर बने पूरे वर्ल्ड में। तो प्लीज वोट फॉर मोदी। एंड आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग, लाल बहादुर शास्त्री, ललिता शास्त्री मेरे सगे दादा के सगी बुआ थी, एंड आई फुल ऑन सपोर्ट बीजेपी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, वॉज माई रिलेटिव। बीजेपी के अलावा, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऐसा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री थे गुदड़ी के लाल, उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन नरेंद्र मोदी अब आज के टाइम में वो है जो देश को बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अमृता श्रीवास्तव, आप दिल्ली से हो? जी मैं दिल्ली में ही हूँ। थैंक यू सो मच। बोलिए, किसको दे रहे हैं वोट? मोदी जी को सर। मोदी जी को दे रहे हो? बिल्कुल। ओके, तो मोदी जी को क्यों दे रहे हो आप? मोदी जी जैसे तो कोई है ही नहीं सर। मोदी जी ने जो किया है हम ले रही जनता देश के लिए कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमें चोरों की जरूरत नहीं है। ओके, हमें ईमानदार नेता चाहिए और हमें फ्री की भी जरूरत नहीं है। आज की जरूरत नहीं है किसी की भी, मोदी जी की जरूरत है बस। उनके लिए वोट तो क्या जान भी हाजिर है सर। बिल्कुल, और मोदी जी रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेगा, महिलाएं आगे बढ़ेंगी। मोदी जी ने तो कुछ नहीं है हमारे देश का, कुछ भी नहीं है सर। मोदी जी तो कुछ नहीं है। मोदी जी के जय श्री राम। मैं बिहार से हूँ। पहले मोदी सरकार सबसे ईमानदार नेता है पहले। अच्छा, और बिहार में लालू जी ने बहुत राज किए, कांग्रेस जी ने बहुत राज किए। पहले देश के लिए कोई कुछ सोचा नहीं सर पहले। ओके, हाँ, तो गरीब के लिए पहले। दिल्ली में रह रहे हो अभी? हाँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ सर। पहले मुझे यहाँ किया है, पहले सब कुछ है पहले। तो बिहार में सर, तो जो भी अभी क्या क्या उजाला वाला कहानी करवाए, पहले हर एक बच्चों के जो गरीब बच्चे थे पहले उनको खाता खुलवाए घरों घरों पहले, कि किसी का पैसा अकाउंट में आवे, कोई खाए नहीं बिचौड़िया सर। तो यहाँ तो बिचौड़िए खा जाता है पहले। ओके, केंद्र से पैसा कितना हो? बीजेपी के काफी लवर है गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे काफी। ओके ओके, मोदी जी को जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो, मीडिया जगत की जय हो। आप देख ही रहे हो दिल्ली में प्रचंड बहुमत की ओर भाजपा जा रही है, हो चुका है ग्राम में ग्राम में, और 400 पार है तो 400 पार है ग्राम में। मतलब ये सारे उसके मतलब ही नहीं बनता उससे कम का ग्राम में, ठीक है। देखिए लोगों का बोलना है, जिनको मोदी जी से नफरत है नजर आ जाएगा, ठीक है। एक अकेला सब प्रभारी, एक अकेला सब प्रभारी। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद है, लव है, मतलब मोदी जी को प्यार करते हैं। मोदी लाएंगे सर, मोदी लाएंगे। मोदी नहीं आए तो हमारे देश का कुछ भी नहीं होगा सर। मोदी आएंगे, मोदी रहेंगे। मोदी के लिए वोट तो क्या सर, जान भी हाजिर है। अच्छा, मोदी के लिए भूख प्यास सब कुछ छोड़ देंगे, पर मोदी को लाके।